अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फिज़ा फूड डायरी। आज हम मज़ेदार आलू कीमा बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। आलू कीमे के लिए हमने बीफ का कीमा लिया है। कीमा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करवाया है, थोड़ा मोटा ही है। कीमे को अच्छे से धोकर छलनी में रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पर ऑयल गरम करके उसमें प्याज डाल दी है। एक बड़े साइज की प्याज ले ली थी, उसको बारीक काट कर उसको ऑयल में डाल दिया है। हल्का सा इसको फ्राई कर कर इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। ध्यान रहे कि प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पकाना है। आप लोग देख सकते हैं प्याज में कलर आना शुरू हो गया है। अब इससे पहले कि ये प्याज पूरी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए, हम इसमें फौरन अपने मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने अदरक की मिकदार लहसुन के मुकाबले में ज्यादा रखी है, क्योंकि कीमे में अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अदरक ज़्यादा रखी है। हल्का सा पानी शामिल करेंगे ताकि आपकी प्याज जो है वो ब्राउन ना हो जाए। पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, एक चमचा डाल रही हूँ। आप लोग अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। हल्दी शामिल कर रहे हैं इसमें। धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बड़े साइज का टमाटर इसमें शामिल किया है, बारीक काट लिया था टमाटर को और फिर इसमें शामिल किया था। टमाटर और मसाले को भूनने के बाद हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमे के साथ ही इसमें नमक भी शामिल करेंगे। आप लोग अपने जायके के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। मैंने इसमें अभी हाफ टी स्पून के करीब नमक डाल दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम कीमा डाल रहे हों तो अपने चूल्हे की आंच को थोड़ा तेज रखिएगा। अगर आंच हल्की होगी तो कीमा पानी छोड़ देता है और उससे आपके सालन में अजीब सा एक गोश्त का या कीमे की कचान का जायका आने लगता है। इसलिए वो उस वजह से होता है कि पानी छोड़ देता है कीमा, इसलिए उसको तेज़ आंच पर पकाएं ताकि कीमा अपना पानी ना छोड़ सके और पानी जो है वो कीमे में खुश्क हो जाए। कीमे का पानी अच्छे से जब खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे। मैंने आलू को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा है, आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं।
साबुत हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। मैंने हरी मिर्चों को काटा नहीं है, बिल्कुल साबुत इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो बड़ी हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आलू और कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट उसको हल्की आंच पर पकाएंगे, क्योंकि हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला है। अब इसको हल्की आंच पर आराम से पकने देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू गल चुके होंगे और यकीनन कीमा भी गल चुका होगा। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। अब कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो पानी रह गया है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जब तक कीमे की भुनाई चल रही है तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ अच्छाई है तो वो भी बताइए, और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं कर रही या मैं गलत कर रही हूँ तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ पर हमारा आलू कीमा बिल्कुल तैयार है, अच्छे से मसाला भून चुका है। मैं यहाँ पर इसमें पानी शामिल कर रही हूँ हल्की सी ग्रेवी के लिए। आप लोगों की चॉइस है, अगर आप चाहें तो इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, हल्की सी ग्रेवी बना सकते हैं, और अगर आप लोग भुना हुआ रखना चाहते हैं तो इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। मज़ेदार हमारा आलू कीमा तैयार है, बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।